और यहाँ कोई भी नहीं आया, वो लोग नहीं आए, उन्हें नहीं मालूम, जिन्हें मालूम है वो अभी तक नहीं आए। तो क्या हम इस सभा को यहाँ से खत्म करें? क्योंकि जब लोगों को चंगाई नहीं मिली तो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगाई नहीं दी, हमें प्रभु यीशु मसीह नहीं है क्या? अगर वो दास एक भी बात नहीं मानते तो कोई आशीष कोई बरकत नहीं मिल सकती, ये गारंटी। मैंने दास की बात मानी थी, पहले नहीं मानी, तभी कहते नहीं मानी। एक साल तक परेशान रहा, पैसे से, बीमारी से, हर उससे परेशान रहा। फिर उन्हीं दास के पास गया, माफी मांगी, घुटने टेके, फिर नागनगर 5 साल तक कंटिन्यू जाते रहे, तब कहीं आके प्रभु यीशु मसीह ने आशीष बरकत दी। आइए हम सभा को शुरू करते हैं, आंखें बंद करें, धन्यवाद करते हैं दयालु पिता एक दफा फिर तेरे कदमों में आके, जो लोग तूने दिए हैं पिता, अगर मेरी गलती है तो मुझे क्षमा कर, ताकि लोगों पे मुसीबत ना आए पिता। मेरे हर गुनाह खता को, मेरे पाप शराब अधर्म को जो मैंने तेरे विरुद्ध किए, मुझे क्षमा कर। और दयालु पिता इस भवन में तेरी आंखें, तेरे कान, तेरा मन लगा रहे, ताकि तेरे नाम को ये जाने पहचाने और आवाज सुने दयालु पिता। इसलिए दयालु पिता मुझे क्षमा कर, मेरे गुनाह, मेरे खता जो चीख चीख कर पुकारते हैं दयालु पिता, इसलिए मैं तुझसे ये माफी चाहता हूँ। क्योंकि दयालु पिता जब तूने मुझे काम दिया है तो मेरे अंदर गंदगी ना हो, दयालु पिता शुद्ध मन हो दिया। इसलिए दयालु पिता हर मुसीबत से, हर गंदगी से, हर वो शैतान के बंधन से, क्योंकि पाप जो है शैतान कराता है, लेकिन ये मनुष्य शैतान पे बात छोड़ देता है, मनुष्य खुद इस चीज को जानता है कि ये गलत है। इसलिए पिता हमें क्षमा कर, मुझे माफ कर, मेरे गुनाह खत्म कर, और इस कलीसिया पर नजर रख, अपना हाथ रख, ताकि ये चंगाई पाए। इनकी अगर गलती है तो इन्हें क्षमा कर दे पिता, इन्हें माफ कर दे पिता। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि तेरी उपस्थित क्या है, ये नहीं जानते ये भूली बिसरी गाय भेड़े हैं दिया। इसलिए इनके जीवन में खुशियां दे, चंगाई पाई, औलादें मिली, सब कुछ मिला, फिर चले गए, लेकिन ये नहीं जानते। को माफ कर और दयालुता मौजूदगी इनके साथ इस कलीसिया में, जो भी हम गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और दयालुपिता जो भी प्रोग्राम है उसे पर अपना छिदव हाथ रखें। जब एंजल बेटी प्रार्थना करती है तो आप ग्रहण करें, मांग, और जो लोग रहा में उनके नीचे बनना भी सुने, मांगते ये समझ के नाम से आमीन। खड़े हो जाए और प्रभु की इबादत करेंगे, भजन गाएंगे, और आप लोग ताली बजाएंगे और साथ साथ भजन गाएंगे। आंखें बंद कर पवित्र आत्मा Thank you.
Thank you.
Oh,
असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह, एंजल सबको जय मसीह की, जय मसीह की। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे।
उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जाति जाति के लोग ताप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मंदिर में भी आग भरे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मंदिर में भी आग भरे।
आइए सभी भजन से और पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर आपने वो निकाले पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर घर परिवार के लिए जाओ पिता जैसे ये पिता तेरी हजूरी में लगे रहते हैं और तेरी पिता परमेश्वर तेरी से चलाते हैं पिता तेरे जनों को तेरा प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करना दिया पिता और इनका जोर बना रहे पिता प्रदेश में जितने भी जने हैं पिता परमेश्वर तेरे दरबार में आए हैं पिता परमेश्वर तुझसे कुछ मांगने आए हैं दयालु पिता आज तेरे बारे में कभी नहीं दयालु पिता आज जो भी कुछ मांगे पिता परमेश्वर की तरह से सारी पूरी कर देंगे पिता और कुछ भी पिता परमेश्वर कभी ना होने पाए अपने जीवन में दयालु पिता जैसे दयालु पिता आपने मुझे दिया है जैसे पिता परमेश्वर सभी को देते हैं आपको आपने बहुत बार ऐसे सारे पुस्तक सुनाए हैं सावरी और तो उसी के आधार पे कवाली है वो भी गाना है जिनको आंखों से हमने ना देखा कभी आज उसने Oh.
Thank you.
जब हम भजन गाते हैं और कोई भी भजन गाए, आप ये मत सोचते हैं कि वो भजन वो ही गा रहा है। उस भजन को जब आप गाते हो, उस भजन में अपने आप को लगाए कि ये भजन मैं गाए। जब भी हम हताश होते, निराश होते, जब हम भजन सुनते हैं, तो हम उस भजन को हम ये सोचते हैं कि ये भजन हम गा रहे हैं, क्योंकि हम जब टूट जाते, बिखर जाते हैं, कोई सहारा नहीं देता, कोई दिलासा नहीं देता, दिलासा देने खुदा। और जब वो दिलासा देता है, हमारी परेशानी दूर हो जाती है। और यकीनन, और मैं अक्सर भजन गाता हूँ और गाली गाता हूँ, मगर
मैं आप ये नहीं कि आपको खुश रखने के लिए या मैं खुश हूँ, नहीं, मैं अपने खुदा के लिए गाता हूँ, मैं उसको खुश रखना चाहता हूँ। वो खुश है तो मैं खुश हूँ, वो खुश नहीं है तो मैं खुश। इसलिए आप ये सोचें कि आप मेरे भजन से खुश ना होए, मेरे गवाल से खुश ना होए। अब ये सोचें कि मैं उस खुदा का गाना गा लूँगा, तब परमेश्वर आपकी भजन सुनेगा और यकीनन जो आपके काम है वो यकीनन बनेगा। गुनाह के बोझ को यीशु उठा रहे हैं, चलो गुनाह के बोझ को यीशु उठा रहे हैं, चलो गुनाह के बोझ को यीशु उठा रहे हैं, चलो गुनाह के बोझ को तुझे बता रहे हैं, चलो बुलाए बहने को।
जरूसलम की गलियों में जेरूसलम में एक लाजर था। कौन था लाजर के साथ क्या हुआ? कितने दिन का मुर्दा हो? क्या हुआ उसके साथ? यीशु मसीह ने आवाज दी, है लाजर बाहर निकला। और वो मुंह बंधा है, पूरी बॉडी बंधी हुई थी उसकी, और वो बाहर निकला। और जब जब वो बाहर निकला, यीशु मसीह का कहना माना, यीशु मसीह ने कहा इसका मुंह खोल, तब उसका मुंह खोला गया। तो यही शोर मचा, मचा है शोर ये यरूशलेम की गलियों में, मचा है शोर ये मचा है शोर ये यरूशलेम की गलियों में, आवाज देके वो आवाज देके वो मुर्दे जिला रहे हैं। चलो 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 बहुत जा रहा है।
Thank you.
सुबह की नगात के साथ में को सुनावा मत किसका अरे हो सुबह की नगात के नाम में को किस किस को अच्छा लगा और कौन कौन परमेश्वर में कविता में भर गया था अभी यही लोग तो चाहिए परमेश्वर को कि परमेश्वर में आग में भर जाओ। परमेश्वर ये कहता है तब पवित्र आत्मा भेजता है, ये नहीं कि हम सोते रह जाए। परमेश्वर यही लोग चाहिए। मूसा अपने लोगों को बचाने के लिए खुदा से लड़ लिया और कहा कि प्रभु उन्हें बचा, तो खुदा ने उसको आवाज दी कि जो तेरे पास लाठी है पानी में मार। जब उसने लाठी को मारा तो पानी भाग गया और रास्ता बन गया, तो वही पानी दीवार बन गई। तो लोग ऐसे जाते जब परमेश्वर उस पानी को रास्ता बना सकता है, जब वो परमेश्वर उन लोगों को बचा सकता है तो आपको क्यों नहीं बचाएगा? अगर परमेश्वर को ये दिल चाहिए, कठोर दिल नहीं चाहिए, ये दिल चाहिए परमेश्वर को जो आज आंसू भर भर के परमेश्वर चांदी सोना रुपया से खुश नहीं होता है, पर धन्यवाद दे दे और खुश हो जा, झूम जा मेरे नाम से, तो यकीनन आपके जो भी रुके काम है वो बने और बनते भी। तो इसलिए हम ये अभी भी मैंने ये कहा था भजन में कि मुझे ये मत सोचो कि मैं गा रहा हूँ, अपने आप को लगाओ कि मैं गा रही हूँ। जब दाऊद ने पाप किया था तो भजन संहिता 51 में ये लिखा था, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, टूट गया था वो, घुटने टेक दिए थे, प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे बचा, मैं जो भी गलती हूँ। तो परमेश्वर ने उसकी सुनी, तो आपकी क्यों नहीं सुनेगा? आप पते लिखते हैं, विषय लिखते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जब सुनी जाएगी, जब आप घुटने टेकोगे, आप आंसू भर भर के खुदा से मांगोगे, तब सुनेगा। आप कार्य नहीं करोगे, घुटने नहीं टेकोगे, आंसू नहीं बहाओगे, तो हमारी प्रार्थना भी ऐसी जाएगी। तो इसलिए अपने आप को उस खुदा के आगे झुकाओ। तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, तो इसलिए बस एक लास्ट भजन गाऊंगा, उसके बाद समाप्त करेंगे। और इस भजन को गौर से सुनना और खो जाना, इतना मत खो जाना, जगाना पड़ेगा, ठीक है? भाई उठ जा, हो जाओ खुदा के नाम। जा मैं कलाम पाक को दिल से लगा के पी, जा मैं कलाम पाक को दिल से लगा के पी, पीना सी
का नाम है, हस्ती मिटा के भी घर चाहता है कि तुझे दुगना सुरूर हो। इब्ने खुदा पाक के कदमों में जाके भी कितना है नशा यीशु नाम में, बताऊं कितना है नशा यीशु नाम में, कैसे जताऊं तुमको मेरा खुदा जब यीशु मेरे दिल में आया, जब यीशु मेरे दिल में आया, एक अनोखा जीवन पाया, मेरा मुकदमा उसने लड़ गई, मुझको कले सो सर छुड़ाया, दुश्मन मेरे जो थे पहुंचे, दुश्मन मेरे जो थे पहुंचे, जिसने हराया उनको मेरा खुदा जाने, मैं जानू मेरा खुदा जाने, मेरा खुदा जाने, रोज रोज मीटर लेकर घूमते मीटर लेकर आत्मा ना फिरते भैया, कहते हैं हमारे अंदर एक क्विंटल पवित्र आत्मा, सामने वाले के 100 ग्राम आत्मा नहीं समझते, अपना व्यवहार नहीं देखते, अपनी आदत नहीं देखते, अपना गुस्सा नहीं देखते, सामने वाला पत्थर भी नजर आता, कोई बात नहीं भैया, खूब कहो खूब कहो, कोई कहे ये दुआ न करता, कोई कहे ये दुआ न करता, कोई कहे बैबुल न पढ़ता, कोई कहे रू इसमें नहीं है, विश्वासी ये दिल से नहीं है, रिश्ता खुदा से कैसा है मेरा, बताऊ तुमको मेरा खुदा जाने, मैं जानू मुझे जो जीता अच्छा जीता, मुझे जो जीता जब हम गवाही देते हैं, गवाही की बात आती है, ये बताओ किस किस के जीवन में नई गवाही बनी, किस किस के जीवन में नई नई गवाही बनी, बस नई गवाही बनते रहते मेरे जीजो, हम
हम ये सोचते हैं कार मांगी तो कार आ गई, बंगला मांगा बंगला आ गया, और बीमारी से छुटकारा मांगा छुटकारा मिल गया। हमें मेरे अजीजों आज जिंदा सलामत है, वही सबसे बड़ी गवाही है। तो नई गवाही तभी बनेगी जब आप जीवित रहोगे, सही सलामत रहोगे, तभी हम हमारे जीवन में गवाही बनती है। हम बीमार पड़े रहेंगे तो कौन से गवाही बनेगी? तो परमेश्वर ये कहता है कि चाहे आप बीमार हो, हताश हो, निराश हो, उसका धन्यवाद दो। एक धन्यवाद दोगे तो दस गवाही बनेगी। हालेलुया। इसीलिए कोई बात नहीं, मुझ पे जो आप पर बीतता है परमेश्वर जानता है। ताने मारते है दुनिया, मारने दो, उल्टा सीधा कहते है कहने दो। सबसे बड़ा मालिक वही है। जब आप वो आपके साथ है तो डरने की क्या बात। दुश्मन पड़ोसी से मत डरो, दुश्मन से मत डरो, उस खुदा से डरो, वो लड़ाई आपके लड़ेगा तो जीत हो गया। कैसे सुनो, मुझ पे जो बीता अच्छा बीता, मुझ पे जो बीता उससे सीखा, कैसी भी साजिश किसकी रही हो, ये सुने मानता हूँ मैं हूँ
और भी लोग हैं मेरे पिता, अगर तो मेरे पिता उनको भी चंगाइयां देना,
हम दुआ करते हैं हर एक के लिए खुदावन, तेरे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, कि तू मेरे पिता एक दिन तेरी मर्जी के मुताबिक जुड़ा हम लोगों की सबकी जिंदगी में और आमने सामने बैठ कर मेरे पिता हम आपके नाम की तारीफ कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद दे रहे हैं और मेरे पिता परमेश्वर तेरी दुआएं कर रहे हैं। ये आपने ही तो मौका दिया कि बहुत से लोग मेरे पिता ये दिन नहीं देख पाए, तेरा हम धन्यवाद करते हैं इस आशीष के लिए जिस तरह तेरे पास्टर राजीव मसीह ने कहा कि वाकई में जिंदगी कीमती है। हाँ प्रभु, ये सारी दुनिया की चीज़ें नहीं, जिंदगी कीमती है, जीवन है तो मेरे पिता तेरे नाम भी लिया जा रहा है। तो मेरे पिता परमेश्वर हम आपके हर एक खुशी के लिए, जीवन के लिए, चंगाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं। मेरे मालिक तू महान और दयालु है, तेरा नाम दयालु है, तू दया करने वाला है। मेरे पिता दया के लिए तूने अपने मेरे पिता परमेश्वर जान को कुर्बान किया है सलीब पर, वही दिन आ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उपवास चालू है 26 तारीख से खुदावन, वही उपवास मेरे पिता आप 26 तारीख को मेरे पिता परमेश्वर आपके उपवास से जब आपने जान दी, सलीब पर मारे गए, गाड़े गए और मेरे पिता तीसरे दिन आओ मुर्दों में से जिंदा हो, आप जिंदा हैं, आप हमारे बीच में, आप हमारे साथ खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर नीचे ऊपर से सिर का पड़ा लगाते हैं, कोई भी देखी अनदेखी ताकत छूने ना पाए खुदावन, दुआ करते हैं मेरे पिता फिर एक बार जो नहीं आए हैं उनकी सहायता मदद करना खुदावन, दुआ करते हैं मेरे पिता बीमारों के लिए जो खुदावन अस्पतालों में घरों में बीमार हैं, मेरे पिता उनको चंगाइयाँ देना खुदावन, उनका जीवन सुधारना मेरे पिता, बेशक वो तुझे नहीं जानते हैं लेकिन देखते ऊपर की तरफ ही है मेरे खुदावन, ऊपर आप हैं और मेरे पिता आपसे चंगाई और जीवन की गुहार लगाते हैं खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर राजाओं के राजा महाराजा यीशु राजा चंगाई दे दे मेरे पिता पर, मैं बिस्तर उलट दे खुदावन और मेरे पिता एक मौके दे, दुआ करते मेरे जितनी कॉल आती है प्रभु हम सबके पास, मेरे प्रभु सबको तुमने छुटकारे दिए क्योंकि छुटकारा सिर्फ आपके पास और कहीं नहीं है खुदावन, मेरे पिता जो भी आपके नाम को सुन लेता है ले लेता है छुटकारा पाता है, जो तेरे दर पे आता है वो छुटकारा पाता है क्योंकि आखिरी दर तेरा है, कोई दर नहीं है इसके आगे पीछे। मेरे प्रभु हम दुआ करते हैं खुदावन, आप मौजूद हैं, आप दुआएं सुन रहे हैं, आप प्रार्थना ग्रहण करते हैं खुदावन, दुआ करते हैं मेरे पिता हमारे गली मोहल्ले के लिए, दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर हमारे देश दुनिया देश के लिए नेताओं के लिए, मेरे खुदावन कोई भी नुकसान हमारे देश में दुनिया में ना होने पाए, आप शांति और मेरे पिता परमेश्वर प्रेम दें क्योंकि वो आपके पास है बैरी के पास नहीं, दुआ करते हैं खुदावन तेरे दास के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो अभी कलाम खोलें, मेरे पिता परमेश्वर आप बातचीत करें जुबान को पाक करें और आप बात करके लोगों की दिल पटिया में लिख दें, तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक आशीष के लिए संभालने के लिए सबको मेरे पिता, तेरे कलीसिया के लिए दुआ करते हैं मेरे पिता, भले चंगे हो जाए ये इनके चेहरों पर कभी उदासी ना आए खुदावन, चमकते रहे प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर तेरा प्रभु हर एक बीमारों मेरे पिता परमेश्वर, मेरे दास का भी नाम है मेरे पिता परमेश्वर पास्टर रॉबिन मसीह जो कि मेरे देवर हैं लेकिन वो मेरे बेटे और भाई भी हैं, खुदावन तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू उनको घर लेके आए, उनका नाम चंगाई में है, वो चंगे हो गए मेरे पिता, उम्र दराज करी जोड़ा बना कर खा खुदावन, मैं तह दिल से शुक्र गुजार करती हूँ आपका मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने गली से जो भी तो कर ले मेरे पिता दौड़े कूदे फाड़े प्रभु तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ, इसके लिए मेरे पिता परमेश्वर और प्रभु हर एक के लिए दुआ करते हैं फिर एक बार, जो आने वाले उन्हें लेकर आए, जो नहीं आए हैं किसी वजह से उनका दिल बदल दे ताकि वो कष्टों में ना जाए मेरे पिता, क्योंकि तूने सबको सब कुछ दिया है खुदावन, यहाँ तक कि हमारी गली में भी बहुत लोगों को तूने जीवन नए दान दिए हैं लेकिन उन्होंने जाना छोड़ दिया, मेरे प्रभु कोई मुसीबत ना आने पाए उन पर, हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन उनको संभाले मेरे पिता, हर एक के लिए दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कॉल के लिए भी दुआ करते हैं जितनी कॉल आती है मेरे पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं फिर एक बार
मेरे पिता तेरी कलीसिया के लिए कोई परेशानी बीमारी कर्जा कोई भी ऐसी संसार की आते ना हो जिससे कि तेरी कलीसिया का चेहरा मुरझाया हुआ गंगनाती भी आए मेरे पिता परमेश्वर और खुदावन तेरे नाम की बढ़ाई और धन्यवाद दी खुदावन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद और पिता मानते आपके नाम से आमीन Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो आइए हम प्रार्थना करेंगे और वचन के लिए धन्यवाद करते हैं दयालु पिता मैं इस काबिल नहीं कि इस जुबान से तेरा नाम लूं ना तू से तेरा कलाम पकड़ूं तू राजा है राजाओं का राजा है प्रभुओं का प्रभु है तेरे नाम में शिफा है हम तेरा तह दिल से धन्यवाद करते हैं आदि में वचन था वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है सारी महिमा दर आपको देते हैं कान खोले आंखें खोले मन खोले और दयालु पिता अकल बुद्धि ज्ञान दे वचन को समझने की उस पर चलने वाले बने ताकि इनके घर में आशीष बरकत आए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आइए वचन देखेंगे वचन बहुत है लेकिन मैंने शॉर्ट अभी दुआ में शॉर्ट हो गए सारे क्योंकि एक ही वचन में है योना गेंजी उसका 3 बाब और उसकी 16 योना गेंजी तीन की 16 में क्या लिखा है ये समझे खुद लिखा है मुझसे क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए हालेलुया परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा क्या करा उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए और वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए अनंत जीवन पाने के लिए क्या है प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आप कहेंगे यार ये तो बात बाइबल में लिखी है लेकिन एक चीज और दिखाता हूँ जो हकीकत है जो आजकल क्या आज से 2020 हो गया साल इतने साल हो गए बाइबल को लिखे हुए जो बातें इसमें अगर आप लोग आज भी नहीं विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ही जिंदा है और परमेश्वर का पुत्र है वो मेरे पापों से मेरे लिए छुटकारा देगा वो मुझे बीमारियों से छुटकारा देगा तब आप जान जाएंगे जो आजकल के घरों में होता है जब से लिखी हुई ये बात जब परमेश्वर ने पहले श्राप दिया तो क्या कहा आदमी को क्या कहा तू दर्द तू सर का पसीना तेरी एड़ी तक आएगा जब तू खाना खाएगा क्या ऐसा ही नहीं है जो बाइबल में पहले से लिखा है ये 500 ईस्वी में लिखा था तो हम फिर भी यीशु मसीह को नहीं मानते उसमें विश्वास नहीं करते बहुत से लोग चले गए आप उपवास न करते हैं किसके लिए करते हैं अपने लिए आप यहाँ रहे अपने लिए अपने फायदे के लिए अपने भले के लिए क्योंकि आपको चंगाई मिलेगी हालेलुया उसके बाद परमेश्वर ने फिर शराब दिया मर औरत को क्या कहा तू दर से संतान को जन्मेगी क्या ऐसा नहीं होता तो फिर ये बाइबल है ये इसमें सच्चाई है आप सच्चाई को जाने आप सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा बाइबल तुम्हें ही आजाद कर देगी मुझे नहीं तुम्हें आजाद कर देगी सारी बीमारियां सारी परेशानियां चली जाएंगी जब परमेश्वर ने कहा और शैतान से क्या कह दिया शैतान से क्या कहा कि तू पेट के बल चलेगा शैतान जो था सांप बना दिया परमेश्वर ने शैतान 4 पैर से चलने वाला था तू पेट के बल चलेगा और तू मट्टी चाटेगा और स्त्री के वंश और तेरे वंश में मैं पैर उत्पन्न करता हूँ अरे परमेश्वर जो कहता है वो बात सही हुई तो क्या उसने ये कहा कि परमेश्वर ने जगत से आप लोगों से प्यार नहीं करता बोलो किससे नहीं करता तुमसे नहीं करता तुमसे नहीं करता सबसे करता है कि नहीं उन्होंने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा उसने सांप को शैतान को क्या कर दिया कि तू पेट केवल चलेगा और मट्टी चाटेगा और स्त्री के वंश और तेरे वंश में मैं पैर उत्पन्न करता हूँ तू एड़ी को डसेगा वो तेरे सर को कुछ नहीं क्या ऐसे नहीं है है ना ऐसी फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर के पास अब आप यहाँ आ रहे हैं कभी वहां चले जाए कभी वहां चले जाए ऐसा कुछ नहीं है जहाँ खोदा है वहीं से सब कुछ मिलेगा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आइए वचन देखेंगे
जो हकीकत है जिसको दर्शाती है। आप बताना इस बाइबल के अंदर हमारी जिंदगी है। अगर ये बाइबल आपके पास है तो ये जिंदगी हमारे पास है। अगर बाइबल नहीं है तो जिंदगी नहीं। ये बाइबल ही है हमारी जिंदगी। इसके अंदर एक वचन मीका साथ देखेंगे। मीका साथ यहाँ पर सारी बहनें बैठी हैं, बहुए वाली भी हैं और सास भी हैं और पति भी हैं सारे है भाई। नंदन भी बैठे हैं। जरा सुनना यहाँ पर क्या है। अगर इससे बचना है हमें, इससे बचना है क्या लिखा है उसकी पांच है। मित्र पर विश्वास मत करो, प्रभु कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है मित्र पर भी विश्वास मत करो। हकीकत है मीका के इंजील उसका सात बाप उसकी पांच आज 1083 पेज पे गलती हो गई। बताया नहीं कि बताना चाहिए मुझे। आप लोग देख रहे हैं जिनके पास बाइबल है। मित्र पर विश्वास मत करो। ये मैं ये इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को जो इसमें लिखा है वो अगर है पृथ्वी पे ऐसा तो बाइबल सच्ची है और हम झूठे जो विश्वास नहीं करते। बाइबल सच्ची है। बाइबल मीका की इंजील और उसका सात बाप उसकी पांच है 1083 पेज पुराने नियम में। पुराने नियम में अगर बाइबल सच्ची है और आप लोगों के दिल में है तो आपके घर से बीमारियां परेशानी जाती रहेंगी। अगर बाइबल में जो ये बातें लिखी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाइबल में अगर ये बातें लिखी है अगर आप फिर भी इस पे ध्यान नहीं रखते और इसे मानते नहीं तो आज भी दो कल भी दो हमेशा जिंदगी में दो। या क्या लिखा है मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। क्या बात कह दी। परम मित्र है भाई लड़ने का। कोई मित्र था तुम्हारा नहीं था जिसे नौकरी के लिए 10,000 दिए थे बड़े लड़के के लिए, क्या हुआ उसका खा गया। तो बाइबल की बात है। हालेलुया ये हकीकत है। इतना अभी कह रहे नहीं है इतना सगा मित्र होते हुए नौकरी के लिए 10,000 ले गया नहीं लगा। बाइबल कह रही है अगर आज भी अगर आपके पास बाइबल बंद है घर में तो बड़े दुख की बात है। अगर बाइबल नहीं पढ़ते चर्च में मिस करते तो आप बहुत दुखी हो। क्या कहता है परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो वरना अपनी अर्धांगनी से अपनी पत्नी से भी संभल कर बोलना। अपनी पत्नी से भी गोपाल संभल कर बोलना, अर्धांगनी से भी संभल कर बोलना क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है। कोई है ऐसा? ऐसा बेटा नहीं है कोई कह सकता है मैं नहीं करता। ऐसा हो ही नहीं सकता। बाइबल की हर बात सच्ची है। कोई बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी अपमान ना करता हो अपने पिता को। नहीं सही है ना कहीं। अब बोलो बाइबल सच्ची है। वहां तुम आ रहे हो जहां सच्चाई है वो तुम्हारे साथ ही नहीं आया। बाइबल सच्ची है कि नहीं। हकीकत है ना। बेटा भी बाप का सामना करता है क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के विरुद्ध बोलती है। बेटी कौन है बेटी है सारी बेटियां अपनी मदर। कभी 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 गुस्सा आ जाता होगा नहीं आ जाता होगा बेटी को। मैं अपनी बेटी से ही पूछ लेता हूँ एंजल बेटी कहाँ गई है कि नहीं। तो कभी कभी बेटी भी बोल पड़ती है नहीं। अब दूसरा देखो बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। है कोई बहू सही बात है कि गलत है बताओ मेरे को। ए बहुओं बता दो आप बोलती है अपनी सास के विरुद्ध बोलती हो अपनी सास के विरुद्ध। कोई कह सकता नहीं बोलता। अगर कोई कहता मैं नहीं बोलता ऐसे तो ये फैमिली झूठ छूटती है। ऐसे चर्च बंद क्योंकि हर बात टल जाएगी। बाइबल का वचन नहीं चलेगा मेरे अजीजों मेरी बहनों। बाइबल के अंदर वो लिखा है आपकी जिंदगी का सुधार आपकी जिंदगी का। फिर भी हम क्या करते हैं मिस हो जाते हैं नहीं हो जाते।
चले जाएंगे, आराम से चले जाएंगे, कोई बात नहीं। जब हम जाते थे चर्च तो हम गाड़ी करके जाते थे यहाँ से, आते समय जैसे भी आ जाए फिर भी आते में, क्योंकि चर्च पहला दर्जा परमेश्वर का है। उसके बाद देखो क्या कहता है, क्योंकि पुत्र पिता का और अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु, मनुष्य के जो बैरी होते हैं, कहां किसके होते हैं, मनुष्य के जो शत्रु होते हैं, शत्रु उसके घर के ही लोग होते हैं। ऐसा है कि नहीं है बताऊं, ऐसा है कि नहीं, घर के ही लोग होते हैं, ऐसा नहीं है भाई भाई की जमीन खेल के जमींदार ने कैसे होते हैं शत्रु, मैं बताता हूं। दो भाई थे, एक भाई बाहर रहता था, खेत था, खेत का बंटवारा हो गया और ऐसे करके पत्थर लगा दिए, ऐसे एक पत्थर यहाँ, बड़े बड़े पत्थर यहाँ 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 लगा दिए। और भाई एक बाहर था, जो बाहर था उसके हिस्से में जमीन में आम का पेड़ आ गया, बहुत बड़ा पेड़ और बड़े बड़े आम उसमें लग रहे। और जो छोटा भाई था उसके हिस्से में आम नहीं थे, पेड़ नहीं था, सिर्फ एक लैंड के ऊपर पेड़ था। उसने क्या करा, धीरे धीरे इस पत्थर को एक दिन होता इधर करता, दूसरे पत्थर को इधर करता, ऐसे कर करके उसने फिर पूरा पत्थर को वहां से करके अपने हिस्से में क्या ले लिया, पेड़ ले, अपने हिस्से में कर लिया। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं वो देखता है, हालेलुया, है कि नहीं। जब उसने कर लिया उसका भाई को क्या पता, अब सब यही जानते थे कि किसके हिस्से में वो है। जब वो पेड़ से ऊपर चढ़ गया, आम तोड़ने लगा, वो गिरा उसी पत्थर पर गिर गया जो उसने आम के नीचे हद में लगाया था। तो ये बैरी जो है घर के होते हैं मेरे जी। अब इसका रिजल्ट बताऊं क्या होता है, अगर आप लोग इसको मानेंगे, आपके घर से लड़ाई, आपके घर से झगड़े, आपके घर से बीमारियां, आपके घर से परेशानियां जाती रहेंगी। मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं यहोवा की ओर यानी कि परमेश्वर की ओर मैं चढ़ जाता रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मैं भजन गाता रहूंगा, मैं इबादत करता रहूंगा, मैं उपवास करता रहूंगा। फिर क्या कहता है वो, मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बात जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। इन सारी युक्तियों से क्या करेगा, परमेश्वर निकालेगा, हालेलुया, सारी युक्तियों से। अगर घर का कोई बैरी भी है, वहां परमेश्वर मेल करा देगा और लड़ाई झगड़ा को खत्म करा देगा। इसलिए मेरे अजीजों आशीष बरकत प्रभु देता। आइए एक वचन और देखते हैं, जो दास लोग कहते हैं ना, दास लोग, आप लोग मानते नहीं हो, मैं ये देखता हूं। अभी मैं देख रहा था आपको, पास्टर लोग कोई भी बताते हैं, अगर आप लोग मानो तो आशीष बरकत आती है। आपको मालूम है कि अभी पास्टर राजीव मसीह 40 पास्ट में है, किसके लिए रख रहे है कि नहीं, पूरी कलीसिया के लिए। और बुद्ध को अभी मिसिस ने जब प्रार्थना करी थी तो बुद्ध को फास्टिंग प्रेयर हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, पास्टर राजा मसीह 40 फास्ट में जाएंगे और कहीं नहीं निकलेंगे, और उनकी जो प्रार्थना है 40 फास्ट पे चले जाएंगे पास्टर राजा मसीह। और उसके बाद 40 ही उसी दिन में नाइट प्रेयर है, किसके लिए, आप लोगों की खुशी के लिए, हालेलुया, आप लोगों के घर से बीमारियां परेशानियां जाती रही मेरे जीजो। वो है परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला, वो ही है सारी मुसीबतों से निकालने वाले, है कि नहीं। अगर जब दास की बात माने, निर्गमन देखें क्यों दे। तो वो सारी आशीष आप लोगों को मिली, सारी आशीष वचन पे चलने वाली। क्या लिखा है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ,
निर्गमन 97 पेज और 23 की 20 आए पुराने नियम में। सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान में मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने चुप सावधान रहना और उसकी मानना, क्या लिखा, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, क्या कह रहा, तेरे शत्रुओं का शत्रु, दुष्ट आत्मा, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, थायराइड, मन बुद्धि, बाल झड़ना, घर के कलेश, बीमारियां, वो कह रहा मैं तेरे ये शत्रु है मनुष्य के, उनका बैरी, शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हिती, ये सारी मुसीबतें, कनानी, हिती और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं उनका, कब, जब मानेंगे दास की बात, उनके देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना ना उनके से काम करना वरना उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और ना उन लोगों की लटों को टुकड़े टुकड़े करना देना। तू अपने परमेश्वर, अब जरा ध्यान से सुनना, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना तब वह तेरे तेरे अब कितनी आशीष आ रही है आपके राशन पर, घर में तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया, रोग भी दूर करेगा तब जब आप मानेंगे, रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। हालेलुया, तब जब हम दास की बात मानेंगे कोई भी नहीं होगा, बांझ भी नहीं होगी, ना गिरेगा और ना कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। यह है प्रभु का वचन जब हम उसमें मानते। एक और चीज मैं आपको बता दूं, तेल पानी कौन कौन ले जाता है, तेल पानी आप ले जाते हैं, तेल पानी प्रार्थना का तो वो ले जाती है, तुम नहीं ले जाते बेटे, तुम ले जाते हो तेल पानी, तेल पानी घर पे, घर के लिए कौन कौन ले जाता है तेल पानी, आप ले जाते हैं, सब ले जाते हैं तेल पानी। तेल पानी एक चीज ऐसी नहीं है, ये तेल पानी, तेल पानी क्या है, ये साधारण है तेल पानी, तेल जो आप ले जाते हैं यहाँ से साधारण, और पानी भी वही है नलका टूटी का, लेकिन क्या है परमेश्वर इसमें अपनी सामर डालता है। जब सामर डालता तभी आशीष बरकत आता है कि नहीं। देखो वचन देखते हैं तेल का ही, इसी का देखेंगे, निर्गमन 15:87 पेज पे है, 22 है, तब मूसा इसराइलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया और वो सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला, 3 दिन तक कुछ भी नहीं मिला। ऐसी हमारी भी बीमारियां नहीं जाती, 3 दिन हो गए, 3 महीने हो गए, 3 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही, 4 साल हो गए, लेकिन हमें विश्वास करना मिले। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है, हमें ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप ये विश्वास करेंगे तो आपको आशीष बरकत मिलेगी। जब तक आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं। आपने ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे दुखों के पीछे मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से 3रे दिन जिंदा हुआ। जो कोई इस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु वो जीवन पाएगा। हालेलुया।
तीन दिन तक पानी का सोता ना मिला। 23 में फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, वो उसे वो ना पी सके। अब खारा पानी है, मुसीबतें आती हैं, वो बुड़बुड़ा रहे हैं, अगर हम बुड़बुड़ाएंगे तो आशीष नहीं मिलेगी। यार 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, क्या बात है भाई, हम जा रहे हैं वहां पर कुछ नहीं हो रहा। हम अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें कि क्या गलती हुई है मेरी। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वो यह कहकर मूसा के विरुद्ध बक बक करने लगे, हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बदला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तो वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया, पानी में सामर्थ आ गई। क्या था ये पानी, कड़वा था, लेकिन क्या है जब ये पड़ गया तभी वो पी सके। और जीवन का जल क्या है, यीशु मसीह है। हालेलुया, जो जीवन का जल पिएगा वो आशीष और बरकत पाएगा। एक और जगह देखते हैं उसमें क्या लिखा है, यीशु मसीह ने जब दाखरस खत्म हो गया तो पानी को मटकों में डाला और पानी का क्या बन गया, कि वो दाखरस बन गया पानी। अब तेल पे चलते हैं, तेल क्या दर्शाता है, जो तेल के हक्का है, हम देखेंगे एक दिया देखेंगे इसका। पहला सैमुएल, पहला सैमुएल 16 उसकी 17। तब सैमुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। तेल क्या करता है, अभिषेक करता है, सामर्थ्य बना दिया परमेश्वर ने उस तेल को। मेरे जीजू अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सैमुएल उठकर रामा को चला गया। क्या बात है, तेल जब था तो परमेश्वर का आत्मा उस पर रहा तेल के ऊपर। तो मेरे अजीजो, आप लोग तेल ले जाते हो, आपने तेल का इस्तेमाल नहीं किया, हकीकत है किसी ने नहीं किया, सब ने अपनी अपनी अलमारियों में रख दिया, सब ने ऐसे जाके रख दिया तिखाले पे, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। अरे आपके घर में तो पवित्र आत्मा है, अगर आप उस तेल पे विश्वास करते तो आज आपके घर में खुशियां होती। हालेलुया, तेल को तो आपने कुछ समझा ही नहीं है, तेल और पानी को तो आपने जाने नहीं है। यहाँ पास्टर रजी मसीह, पास्टर फ्लोरिन मसीह, पास्टर राजा मसीह उस पे प्रार्थना करते हैं, वो तेल और पानी को सामर्थ्य बना देते हैं। वो कैसे, एक आदमी था उसका बिजनेस फेल हो गया। जब उसका बिजनेस फेल हो गया, बहुत परेशान हो गया, इतना और चढ़ जा रहा है, नागा भी नहीं कर रहा और दुआ भी हो रही है प्रार्थना, लेकिन उसका बिजनेस धीरे धीरे फेल होता चला गया। बड़ी कोशिश करी, फिर वो सोचने लगा कहां जाऊं, अपनी मिसेस से कहना भाई कहीं और जाते हैं, उन्हें का क्या करें। उसे अचानक 1 साल बाद याद आया कि अलमारी में यीशु का लहू रखा है। हालेलुया, यीशु का लहू कहां रखा है, अलमारी में बंद करके रखा हुआ है। अब वो आया, उन्होंने उठाया तेल, यीशु का लहू लिया और अपने बिजनेस पे लगा दिया चारों तरफ। 2 महीने बाद उसका बिजनेस चल पड़ा। हालेलुया, तो आप लोगों ने तेल का इस्तेमाल ही नहीं करा मेरे दीदो, तेल को आप जानते ही नहीं है, तेल की सामर्थ को कुछ भी नहीं जानते आप लोग, ले जाके ऐसे रख देते हो। क्यों गोपाल, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, बोलो हाँ या ना जोर से। बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करते तेल को, आप तो तेल को सोचते कि आ गया तेल है, अगर हकीकत है उस तेल की कीमत 5,000 रखी जाती, उस पानी की बोतल की कीमत 5,000, आपको 10,000 देने पड़ते तो आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम तेल लगाते और तीनों टाइम पानी पीते। हालेलुया, कभी आपने तेल लगाया रात को सोते समय यीशु का लहू लगाया, नहीं लगाया, और तो कहां से खुशियां मिलेंगी, कहां से खुशियां मिलेंगी मेरे अजीजों। उस सामर्थ को जाने,
वो प्रभु की सामर्थ आपके घर में, आप जब उस घर को घर में आपके घर में सामर्थ है जब नहीं जान सकते तो आप भवन में कैसे आएंगे। हालेलुया। फिर उस सामर्थ को उस आदमी ने जब जाना कि वाक्य में यीशु का लहू लाए क्योंकि उसको ब्लेसिंग की आवाज मिले। दाऊद के ऊपर जब सुलेमान पर आशीष आई, क्यों राजा बनाया? क्योंकि उसका तेल से अभिषेक हुआ। मेरे जीजो, वो तेल ही है आपके घर में आशीष का कारण। मेरे जीजो, जब आपको आशीष बरकत मिलेगी, आप तेल ले जाते हैं, तेल पानी ले जाते हैं और कहाँ रख देते हैं? जहाँ तुम्हारी मूर्तियां रखी है वहीं रख देते हैं। ऐसा भी मत करना मेरे जीजो, दुष्ट आत्मा आपके घर में आ जाएगी। मेरे जीजो, दुष्ट आत्मा बहुत तेज है, इसलिए दुष्ट आत्मा से बचना मेरे जीजो। इसलिए मेरे जीजो, देखो तेल की एक और खासियत, याकूब की पत्री उसका पहरा पांचवा बाप, याकूब के पत्र उसका पांच बाप उसकी 13 है, 322 पेज पे। ये मैं नहीं कह रहा था, तेल तेल क्या कहता है, देखो तेल क्या कहता है। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। जो पास्टर रजी मसीह शेखर ने और पास्टर प्रिंस ने और बिडिया माधुरी ने और एंजल ने हमने गाए, स्तुति गान करें। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, पास्टर राजी हमें बुलाए, और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उठाकर खड़ा करेगा। और यहाँ तक कि देखो तेल से क्या है, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, धर्मी जन की। तो मेरे जीजो, पूरे पढ़ते थे थोड़ा सा रहेंगे। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, तो उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे। 3.5 वर्ष तक मैं न बरसा और भूमि पर मैं न बरसने के बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से बारिश वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य से के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भाई को किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डलेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, पौलुस बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, तेल से भी चमत्कार है, तेल से भी चंगाई है। खाली क्या है, विश्वास होना चाहिए। आपने विश्वास नहीं है, आप आते जरूर हैं, अगर विश्वास होता ना, कौन कौन आए थे पिछले संडे को, कौन कौन, सारे जने आए थे। कितने बजे का चर्च था? 10 बजे का बोला था, है ना, कि 10 बजे से वही चर्च नहीं। और आज कितने बजे आए, ऐसा क्या है? तेल भी भूल जाते हैं, समय भी भूल जाते हैं, खाना भी भूल जाते हैं, खाना भी भूल जाते हैं, खाना क्या करेंगे खा के, मेरे जीजो खाना भी भूल जाते हैं, सेवा करते हैं प्रभु की आप लोगों के लिए कि आप लोगों के घर में खुशी हो, बरकत हो, नहीं। और ये देखो इब्राहिम को, देखो इब्राहिम है, हम समय भी नहीं देते, हम बुलाते भी नहीं है, नहीं भूल जाते हैं, महीने हो जाता है कि नहीं। आशीष बरकत कहाँ से आएगी? आशीष बरकत देने वाला वो है मेरे जीजो। आज जो चाय पानी ना उसके लिए बता रहा हूँ, चाय पानी का अभी वचन हो गया। बहुत बड़ी है।
हकीकत है। अगर अभी जब प्रभु की दासी ने आप लोग प्रार्थना सुनते हैं, कुछ सुनते हैं कुछ लफ्ज जो कि आपके हृदय में काम आ जाए, ये वचन ही है जो हमें चंगाई लाता है, वचन है जो हमारे घर में आशीष लाता है, वचन है जो गर्भ का फल लाता है। हम ध्यान से सुने कि जब प्रभु की दासी प्रार्थना कर रही थी, मैंने एक लफ्ज बोला था कि ऊपर हम ऊपर नहीं देखते, हम नीचे देखते हैं, है ना। रजी मसीह ने कवाली गाई थी, लेकिन उसी टाइम जब दुआ में मैंने आगे खोली और मैंने एक दृष्टांत लिख लिया राजकुमार का, यही चीज है जो हमें आशीष। मैं ये जितने भी दृष्टांत आप लोगों को बताता हूँ, जितने मैं सुनाता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ कि आपके घर में खुशी आशीष बरकत आ जाए, है कि नहीं। इसलिए कि आप लोगों के घर में, और आप अकेले ना हो, आपके साथ चार जने हो रहा है, वो ये आशीष, वो ये बरकत आपके घर में। आप जब ऐसा करेंगे, वो तो ऐसा ही है कि हम तो डूब रहे तुम्हें भी लेके डूबेंगे, हम तो निहारे तुम भी मत आओ, पड़ोसी से भी क्या देते, नहीं ऐसे नहीं होना। तो राजकुमार ऊपर लटका हुआ है, राजकुमार ऊपर है और आ नहीं सका, बंद पड़ा है और लटका हुआ देख रहा नीचे कि कोई जाए तो नीचे। वो किसी को जाते देखता है, एक आदमी को, वो आवाज देता नहीं सुनता, तो उसने सोने की अंगूठी सोने के कड़े पहन रखे थे, और राजकुमार क्या करता है उसे सोने की कड़ा मारता है उसके फेंक के, वो कड़ा नीचे गिरता है, तो वो आदमी नीचे जा रहा होता है ऐसे करके। अब वो जा रहा होता है तो उसे कड़ा दिखाई दे जाता है, वो यार ये सोने का कड़ा, वाह भाई वाह खुदा, तू तो बहुत ही अच्छा, मेरी जरूरत पूरी कर दी तूने, हैं? अब तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, इसको बेच के अब मैं शादी कर लूंगा, अब मैं उसका बड़ा अच्छा वो करूंगा। वो कहता है किसी का एक गिरा तो एक और गिरा होगा, फिर वो ढूंढता है, वो ऊपर से आवाज मारता है उसके, उसको आवाज देता है, कहता है यहाँ भाई, उसे सुनाई नहीं आ रहा, वो फिर उसको वो फेंकता है एक और कड़ा, दूसरा बेटी, अरे इससे तो मेरी बेटी का दहेज किया, मैं मकान भी बना लूंगा, और भी देखता है, एक अंगूठी भी मिलती है, नहीं देखा उसने ऊपर, वो नीचे गई। हम भी ऐसी करते हैं, नहीं हम नीचे ही देखते हैं, अपने काम में मस्त है, अपने बिजनेस में मस्त है, हम अपने परिवार में मस्त है, यहाँ की चिंता ही नहीं है, ये समस्या की वहां जा ही नहीं सकते, है ना, जा ही नहीं सकते। अब वो क्या करता है, अब उसके हाथ में एक पत्थर आ जाता है राजकुमार के, वो उसके पत्थर सर में मारता है, जैसे सर में लगता है वो ऊपर देखता है, ओए गलत तुम लटके हो, अच्छा। तो ऐसी हमारी जिंदगी है, जब मुसीबत आती है तो हम ऊपर देखते हैं, नहीं जब मुसीबत आती है, जब हमें आशीष नहीं मिलती, जब बरकतें नहीं मिलती, जब परेशानियां आ जाती है, तब हम यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, अदरवाइज नहीं तो नहीं देखते। जब पेट भरा होता है तो सोचती है दूर की, और जब भूख लगती है तो सोचती है तंदूर की। ऐसा ना करें मेरे अजीजों, हमें जमीन के नहीं, हम यीशु मसीह को देखें और यीशु मसीह से अपनी फरियाद करें, तो सारी आशीष सारी बरकतें हमारे घर में आ जाएंगी मेरे अजीजों। इसलिए हम उस पत्थर की इंतजार ही ना करें कि हमारे लग जाए, हमारे घर से मुसीबतें दूर हो जाएं, हमारे घर से परेशानियां दूर हो जाएं, हमारे घर से चिंताएं निकल जाएं, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को मानेंगे, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे, जब हम जान लेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो मेरे अजीजो बीमारियां परेशानियां दूर निकल जाएंगी घर से, वहां खड़ी हो जाएंगी घर से, हालेलुया, वो है। इसलिए मेरे अजीजो आशीष बरकत देने वाला खुदा है, लेकिन मैं आप लोगों का भी गलती नहीं, मैं बता रहा हूं अपने, मैं भी ऐसे ही था आपकी तरह, आप लोगों की तरह, मैं भी ऐसे ही, मैं भी नहीं मानता। एक दफा की बात है कि बैंक हो गई क्या, दुआ करनी, हेलो प्रार्थना करनी, सोना नहीं, बहुत खैरी बातें होती हैं। मैं अपने जीवन की गवाही इसलिए बताता हूँ कि आप अपने आप को मेरी जगह मत लगाना, हालेलुया हालेलुया, सो गए। इसलिए एक और वचन था,
मती 7:5 की 7 है, वो दयावान के जो दया करता है तो प्रभु उसके साथ दया करता है कि नहीं। चलो ये अगले संडे देखेंगे, टाइम भी काफी हो गया। अभी वो सुना दूं जो मैं हकीकत है, जो आज चाय पानी का इंतजाम करा है मेरी मिसिस ने, मेरे बच्चों ने, हमने जो चाय पानी और उसके साथ मीठे का इंतजाम करा, एक बहुत बड़ी लहर आई, खुशी आई हमारे पास। हम दबे हुए थे और पनवेसर ने निकाला। मैं अपनी गलतियों से दबा था, मैं अपनी गलतियों से फंसा हुआ था मेरे जीजो। मैंने पनवेसर के वचन को तुच्छ जाना, मैंने पनवेसर की आवाज को तुच्छ जाना। जब हम पनवेसर की आवाज को तुच्छ जानते हैं और अपना फोकस पैसे पे रखते हैं तो हम आज भी दुखी कल भी दुखी। जब मेरा एरिया लाना था वो पनवेसर है, अगर बीज आज आप बोएंगे तो फल कब मिलेंगे आपको? आज ही नहीं मिलेगा, साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे। ऐसी अगर हमने गलती करी है तो उसकी गलती का नतीजा आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, वो 20 साल बाद भी देता है। हालेलुया, वो 20 साल बाद भी देता है। ये बेटी जानती है कि वो 20 साल दे, क्योंकि इसने परख कर देखा यहोवा को कि यहोवा कैसा है। पूरा परिवार यीशु मसीह में ग्रहण हो गया, बैप्टिज्म ले लिया। ऐसा है यीशु मसीह जो कि सब कुछ कर सकता है मेरे जीजो। एक गवाही है जीती जाती है मेरे लिए। मैं लालची, अगर हम लालच करते हैं तो आज भी दुखी, कल भी दुखी, परसों भी दुखी। वो मुझे बाद में पता लगा। मैं सोचा मेरा एरियल 20,000 आएगा, जरा ध्यान से सुनना, मैं सोचा मेरा एरियल 20,000 आएगा। रिटायर हो गए थे मैं 7 में। हम मेरी मिसिज हम यही सोचते थे, कॉल करते थे, बैंक जाता था पेंशन लेने, पूछते थे भाई क्या है, कब आ रहा है एरियल। उसके बाद 6 महीने बीत गए, साल बीतने को आया, एरियल नहीं आया, और अचानक एरियल आया। ऐसी देता है खुदा, ऐसी देता है, ऐसी ही लेता है। हकीकत है वो ऐसी ही लेता है, लेकिन दुख के बाद आशीष भी देता है। हालेलुया, वो ऐसा नहीं है कि दुख दे हमेशा, वो कभी भी मन से उतारे नहीं रहता। अब क्या हुआ कि वो पैसा, मैं बैंक गया अपनी पेंशन लेने। में बताता हूँ आप लोगों को, इसीलिए आप लोग ध्यान करें। मैं अब आज का जो टॉपिक है वो छोड़ दिया मैंने आप लोगों को बताना कि ऐसा करो ऐसा करो। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही मानो कि ये यीशु मसीह, तो आपके घर में खुशी बरकत। अब मैं वहां से जब बैंक गया तो पेंशन लेने गया, मैं पेंशन मेरी थी 6,500 रुपए, वही लाता था, वही किराया देते थे वहां पर, 2,200 रुपए किराया। हमें 20,000 एरियल होगा, बस 20 यही था, उंगलियों पे गिन रखे थे, कागज पे लिख रखे थे, इस तारीख को रिटायर हुआ, इस तारीख को ये पैसा। जब वहां गया वो कहने भाई विल्सन, मैंने कहा क्या तुम्हारा एरियल आ गया? मैंने कहा अच्छा, मैं कितना आया एरियल कितना मुझ से? कहने 1,38,000। में है मैं कैसे कितना? 1,38,000। मेरे जीजो, जब इंसान के अंदर लालच आ जाता है तो दुखी हो जाता। आपको नहीं पता था दुख हमारा, आज बता रहा हूं मेरा दुख खत्म हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो है परमेश्वर। अब क्या हुआ, मैंने परमेश्वर के हिस्से को चोरा, चुराई, चोरी की, चोरी भी देखो कितने पाप कर दिए एक ही काम से। परमेश्वर का हक मारा, परमेश्वर के हिस्से की चोरी की, और 10 वर्ष को मैंने नहीं दिया। अब क्या हुआ, वो कहते हैं मेरी मिसिस ने तुरंत कह दिया, कह रहे ऐसा करो। मैं क्या कह रहे, 13,000 रुपए जाके चर्च दिया, 13,500 दिया। तो मैंने कहा क्या कमाल है, मैं 13,000 में चर्च में दूंगा जाके, हैं? अरे 1,000 रुपए दे देंगे। कहां मैंने परमेश्वर की खिलाफत करी, और मुसीबत मैंने नहीं, मेरे बच्चों ने, पूरे परिवार ने मुसीबत उठाई। अब हमने क्या करा, 1,000 ही रुपए दिए मैंने चर्च में जाके, 1,000 रुपए दे दिए, और वो पैसा तो खर्च करते रहे, इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर उस तरह ऐसा करता है गन्ने में, जैसे गन्ने को कोल्ड में डालते हैं ना, कोल्ड में, और जब उसका रस निकल जाता है, वो ही हुआ। उसी बैंक में, उसी बैंक से 1,38,000
उसी बैंक में वहीं का वहीं मैं श्रापित हो गया, परमेश्वर का क्रोध मेरे पे आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता लगा। वो मुझे आज सवेरे पता लगा, जब चाय पानी का इंतजाम हुआ तब मुझे पता लगा। मैंने ये तो परमेश्वर तेरा क्रोध था, जो क्रोध 4 साल के बाद तूने वापस उतारा, 4 साल हो गए इस बात को। उसी दौरान वो पैसा मिट्टी हो गया, अब पैसे के और 100 पीस आ गए, जिस काम में मतलब कहीं से भी आशीष नहीं। धकी को बता रहा हूँ, ऑफरिंग ली जाती थी आप लोगों से, ऑफरिंग आती थी उस दिन, बेटी निशा ने भी ये गवाही दी थी, ऑफरिंग आपकी आती थी 300 रुपए, चाहे 50 आदमी आए चाहे कितने आए, और हमारा खर्चा होता था 700 रुपए, 800 रुपए, चाय पानी समोसे जो भी चीज का था, और इसका मकान का किराया, ये सारा किराया वो परमेश्वर ने और मुझे गवाता चला दिया। आज मैंने कल भी खुदा से माफी मांगी। अब क्या हुआ, जब मेरे से मुसीबत आ गई, फिर बैंक से लोन लेना पड़ गया, उसी बैंक से परमेश्वर का धन ले, और वहां का जो मैनेजर था वो जान पहचान वाला बन मिल गया, फटाफट लोन करा दिया 1,14,000 का, वो भी ऐसी धीरे धीरे किस्तें कटती रही, और वो आज कल की डेट में वो लोन खत्म कर दिया परमेश्वर ने, और मुझे शराब से छुड़ा दिया। हालेलुया, वो है परमेश्वर। मेरे जी जो गलती करते हैं तो उसका संज्ञाजा भी है, जब मैं भुगत रहा हूं ना गलती, तो आप गलती ना करना। अब मैं हम बोलते नहीं, पहले कोई बोलते इस संडे का जो है इसका जो भी किराया, अब ये भी नहीं हम कहते, मेरे बेटे मेरी बिशन कहती है अब आप पे बोझ नहीं, क्यों, क्योंकि परमेश्वर है, वो तो अपने आप ही आपके मन में डालेगा और फिर आपको आशीष बरकत देगा। इसलिए मेरे अजीजों, उसकी चाय पानी जो है आज करी हमने, और आपका मुंह मीठा होगा जब आप, परमेश्वर मुझे निकाल सकता है शराब से, वो शराब था मेरे ऊपर, तो आपको भी आपके शराब से निकाल सकता है, आपके बच्चे खुशी, आप खुशी, आपके परिवार खुशी, आपके घर में खुशी। मेरे जीजू, अभी हम पंजाब गए थे, बहुत बड़ा वहां पर प्रोग्राम था और लोग बुलाते हैं, हम गए गुरदासपुर, जलंधर और उसके बाद लुधियाना, इतने विश्वासी लोग वहां पर मिले, और अभी भी बुला रहे हैं, आज भी रोहतक से आने वाली थी, शिमला बुला रहे हैं, क्योंकि पास्टर राजा मसीह की जो कलीसिया है वो यही है, 1,000 लोग हैं, और जिन्होंने इस कार्य को पूरा करा, एक आवाज में, एक प्रार्थना में चंगाई मिलती है वहां। वो आपसे मैंने पहले भी कहा था, आपके कान इधर से सुनते इधर है, आप यूट्यूब को समझते हैं कुछ नहीं, जैसे आप तेल को समझते ना, तेल पानी को ले गए और आपने रख दिया, कई जगह तो देखा मैंने कहीं कोने में दीवार पे बोतलें टंग रही है, अरे ये पिलाया, ओहो ये तो भूल ही गए, अरे उसी के पास जाओ ना, कहाँ जा रहे हो, डॉक्टर के पास, बोतल यीशु मसीह तेरा लहू में पीती हूँ, मैं तेरा लहू लगाती हूँ, फिर दौड़ने लगेगी तुम, हालेलुया, भागने लगेगी, घूमने लगेगी, यीशु का लहू है। ऐसी है प्रार्थना, पास्टर राजा मसीह का, राजी मसीह का नंबर ले, आप प्रार्थना कराए, जितनी प्रार्थना कराए वो है, प्रार्थना का असर ही है हमारी चंगाई में, दवाई नहीं, दवाई कुछ नहीं। अभी हमारे भाई बीमार थे, पास्टर रोबिन मसीह और मैं और पास्टर राजा मसीह गए थे, तो जब हम प्रार्थना करेंगे, यहाँ मेरी मिसेज कर रही है, मेरी बेटी, सारा परिवार प्रार्थना करता है, जब आप लोगों ने करता तो परिवार के लिए भी कर की जाती है, और वहां जाके प्रभु ने यही कहा कि तुम्हारे साथ घर पे चाय पूंगा, जबकि उम्मीद नहीं थी कि दोनों किडनी फेल हैं मेरे अजीजों, और हालत खराब, उल्टी 4 महीने से कुछ खाना नहीं खा रहे थे, और जब प्रार्थना की गई घर आ गया, छुट्टी मिल गई, चंगाई मिल गई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो है परमेश्वर, वो है असंभव को संभव करने वाला, उसके पास आप लोग आए मेरे जीजो, आप जाने पहचाने वही है। जब वहां गए, जाने से, जब दास को ये मत सोचो कि दास के कदम पड़ने से आपकी बेइज्जती हो रही है, आपका नाम धराई हो रही, नहीं, जितना करीब रहोगे प्रभु के उतनी आशीष बरकत मिलेगी। एक चीज सुना के फिर मैं खत्म करता हूँ, Thank you.
जैसे ये है, ये समझ लो मैग्नेट है, मैग्नेट है ना, ये मैग्नेटिस है ना, ये मैग्नेटिस है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिस है। मैग्नेटिस जानते हो कि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जो चुंबक होता है, लोहे पे चुंबकता है। अब ये जो लोहा है मैग्नेटिस, इसे पानी में डालने क्या होगा, भारी होता है ना, क्या होगा, डूब जाएगा ना, ये डूब जाएगा। जब ये डूब जाएगा, लेकिन इसे हमने तैराएंगे कैसे, कि यहाँ से समुन्द्र में डाले और ये अमरीका चला जाए, जा सकता है, ये नहीं जा सकता है, ये जा नहीं सकता, क्योंकि ये मैग्नेटिस है, लोहा जा सकता है भाई, नहीं जा सकता। और जो पानी का जहाज होता है वो कितना बड़ा होता है, वो पानी पे डूबता ही नहीं है, वो बॉम्बे से अमरीका, अमरीका से। लेकिन इसे कैसे करेंगे हम, इसे कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। ये पानी का जहाज है, हालेलुया, ये क्या है, पानी का जहाज है, और ये क्या है, ये मैग्नेटिस है, ये हम है, क्या है, हम है। अगर हम इसके साथ जुड़ गए, इसके साथ जुड़ गए, तो हमारी जिंदगी सफर हो जाएगी अच्छी तरह, बिल्कुल हम बॉम्बे से अमरीका, अमरीका से जहां मर्जी जाएंगे, इसके साथ होंगे तो हमारे को चोट नहीं लगेगी, हमारे साथ बीमारियां नहीं आएंगी, हमारे घर में परेशानियां नहीं आएंगी, हमारे घर में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। अगर हम इससे दूर होते हैं, एक संडे हो गया, दो संडे हो गया, पांच संडे हो गया, दस संडे हो गया, हम इससे दूर हो गए, तो हम क्या हो गए, ये दूर हो गए इससे। अब ये गिर गया समुन्द्र में, क्या हुआ, समुन्द्र में गया, अब पता नहीं वो पत्थरों में गया, किस में गया, क्या उसके चोट लगी। ऐसी ही हम दूर होके मेरे जीजो, हम परेशानी में फंस जाते हैं मेरे जीजो। इसलिए आप लोग खुदा से दूर ना हो, बाइबल से दूर ना हो, आपका बाइबल का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।